हेलो एवरीवन, राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और मेरे पतिदेव घर आ गए 15 दिन बाद। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि पंकज कहीं जा रहे थे दूसरी कंट्री, तो वो कल ही वापस आए 15 दिन बाद। 15 दिन ही हुए 23-24 को गए थे। तो आप लोग हिसाब लगा लेना, आज कितनी है, 7। तो हिसाब लगा लेना आप लोग मेरे रुपये। तो अभी हम ठीक आ जा रहे, देखते हैं कितने जाते हैं। अब भी सो सनसेट हो चुका है, अभी हो रहा है टाइम 7:20 इवनिंग। और क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी बाहर जाने सा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर ड्यूटी भी रहती है। आज पंकज भी अभी फ्री थे, तो हम सोचा कहीं चलते हैं मॉल या देखते हैं किधर चलते हैं। सो हमने गाड़ी पार्क की है उधर, तो फिर चलते हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम? मरीना मॉल। नहीं, पहले क्या बोला था? मरीला मॉल। तो हम लोग जा रहे हैं मरीला मॉल शैलू के साथ। शैलू कहाँ जा रहे हैं? मरीना मॉल। मरीला मॉल। आज से मरीना मॉल, आज से मैंने नाम चेंज कर दिया। अब हमें मरीला मॉल के पास, और अब मैं मरीला मॉल की पार्किंग ढूंढूंगा। इस मॉल में और जगह ले तो मेरी मम्मी को पसंद आया एक ट्राउजर, ये वाला लोअर। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, ऊपर देख लिया 45, और बोला ये अबू धाबी का 45 है, इंडिया का 45। जब पता चला कि अबू धाबी का 45 है, तो मार लिया यू टर्न। ये पहनोगे ऐसा लगेगा जो इस पे बना हुआ है, पूरे ढक जाओगे। तो अभी हम ले रहे हैं हरी सब्जी, ठीक है, पालक, पालक कोई भी ये लो, इसका प्राइस है 3 दिरहम पर बंच। इसमें से कोई भी बंच आप ले सकते हो, कोई भी हरी सब्जी का बंच, उसका प्राइस है 3 दिरहम, मतलब इंडिया के 7 रुपये का एक बंच। इसमें मिंट है, स्पिनिच है, ऑनियन स्प्रिंग है, क्या है, मूली के पत्ते हैं, पता नहीं क्या है ये, फिर ये कोरिएंडर हो गया, धनिया सर, और इंडिया में टमाटर का प्राइस हो रहा है आई थिंक 80 और 90 रुपीज़ पर किलो, 90 रुपये पर केजी, और यहाँ भी लगभग ऐसे ही है 4.25। सो टमाटर है 85-90। ये है यहाँ की फिश मार्केट, कितनी सफाई से रखा है, और पीछे इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई है, और झींगा। ये सब यहाँ के लोकल फिश हैं। तो हमने सारा सामान ले लिया, अब हम करेंगे सेल्फ चेकआउट। सारा सामान इधर रखते हैं, फिर नाउ ऑल आइटम्स यू हैव टू स्कैन हियर। फाइनली हमारा भी हो चुका है। अब आप बाहर निकलने के लिए आपको फिर ये बारकोड स्कैन करना पड़ेगा, तब आप बाहर जा सकते हैं। बाहर निकलने के लिए आपको स्कैन करना पड़ेगा। सो अभी हम मरीना मॉल में, और मरीना मॉल में दिखा हमें एक हाथी, हाथी नहीं है, हाथी का स्ट्रक्चर है, और ये है 15,000 साल पुराना, और 90 में इसको डिस्कवर किया था, जिसकी हाइट 4 मीटर है और वेट 1 टन है, और हाथी है कुछ ऐसा। ये हाथी का सिर्फ स्ट्रक्चर है जिसको असेंबल किया हुआ है, जो कहीं खुदाई में मिला होगा।
इसके दांत देखोगे ना, मतलब मेरी लाइफ के सबसे बड़े हाथी के दांत मैंने यही देखे हैं। ये इसका सामने से है, अभी सोचो ये कितना बड़ा हाथी होगा। अगर आप लोग को इसको देखना है तो आप आ सकते हैं मरीना मॉल अबू धाबी में, दिस इज अवेलेबल। तो ये इस हाथी के बारे में कुछ हिस्ट्री दी है नीचे, ठीक है, एलिफेंट के नीचे स्ट्रक्चर के, उसका वेट हाइट, और पुराने टाइम पे इसका हंटिंग होता था। तो ये कुछ हाथी की इंफॉर्मेशन है, जिसका वेट है 8 से 12 टन वेट, 4 मीटर हाइट, और इसकी लाइफ साइकिल था 70 ईयर्स का। जो इसके दांत हैं वो 5 मीटर तक बड़े हो सकते थे, तो सोचिए कितना बड़ा हाथी होगा जिसके दांत ही 5 मीटर के हैं। शैलजा को लग रही है भूख, लेकिन शैलजा खाना क्या है पता नहीं, इसको बहुत तेज भूख लग रही है लेकिन खाना क्या है ये पता नहीं। अभी हम 10 मिनट हो गए घूम रहे हैं लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि खाना क्या है, लेकिन भूख बहुत तेज लग रही है। शक्ल देखो, कुछ बोलना चाहोगे? भौरिया को भूख लग रही है, भूख लग रही है लेकिन पता नहीं क्या खाना क्या है, तो क्या करें बताओ। रोटी सब्जी बनाओ। क्या बर्गर खा लूंगी बोला, मतलब बर्गर वालों पे एहसान कर रहे हैं, बर्गर खा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बर्गर किंग। मम्मी महंगाई कितनी इधर? बहुत ज़्यादा। हाँ कितना ज़्यादा? मतलब ज़्यादा बताओ तो ज़्यादा ही है। सीताफल कितने रुपए किलो था? सीताफल अभी 350। कद्दू था 350, 25 दिरहम पर केजी था। हाँ, कितना हो गया फिर? कितना हो गया? 400-500। 25 दिरहम का 500 होता है? 25 से कम 25, 25 गुना 50, 500। नहीं 500 नहीं था वो, ज़्यादा था, 4500। नहीं 4500 रुपये, 45 दिरहम पर केजी था वो। हाँ 45 दिरहम सीताफल का रेट था, 45 दिरहम, सो लगभग 950 रुपये किलो सीताफल। जो हमारे यहाँ खाते भी नहीं है, हमारे यहाँ भैंस खाती है कभी कभी। और वहाँ गए थे ना हम राजस्थान, अरबी में आज किसी का ब्लॉग देखी थी, 27 रुपये किलो था। यहाँ वो अरबी है 350 रुपये किलो। कितनी लूट मची है ना। शहद का बताओ। मम्मी शहद हमारे यहाँ है 400 रुपये केजी, और यहाँ है सबसे सस्ता वाला, जो था सबसे सस्ता वाला भी था 4000-6000 रुपये केजी। देखो अब क्या करें, और फिर सब बोलते हैं दुबई वाले पैसा घर नहीं भेजते, पैसा बचाते नहीं है, परिवार रखते हैं उधर, हाँ फैमिली के साथ रह के पैसा कहाँ बचेगा, तुम बता बचेगा पैसा? नहीं, नहीं बचेगा ना। हाँ अब तो घर से जाके बोले कि तू नहीं पैसा नहीं भेजता है, बोलना तो पड़ेगा। हाँ बोलना तो पैसे पड़ेगा, पैसे के लिए दुबई आए हो। हाँ पैसे तो भेजते हो, क्यों नहीं भेजते? पैसे भेजते हैं, ऐसी बात नहीं, खा के भी बचता है। अभी नहीं खा के बचाते हैं, नहीं खा के फटी सैंडो पहन के ऐसे बर्गर अगर डेली खाएंगे तो कहाँ से बचेगा पैसा? और डेली खाते हो? डेली नहीं मतलब डेली, मम्मी संडे को ही तो बंगत फ्री होते हैं। परसों तो और मैं आए थे खाया था, आज तीसरे दिन भी खा लिया। तब तो हम फ्री थे, फिर वहाँ गए थे ना, उस दिन बाहर गए थे, उसके बाद 23 तारीख से आप इधर हो। एक बार भी खाया हमने बाहर? एक दिन खाया, आज दूसरा दिन खाया। हाँ मतलब उसी दिन खाया था, आज दूसरा, आज सेकेंड डे है। देखा सास पूरा काउंट कर रही है कितना दिन बाहर खाया कितना दिन घर पे खाया, पूरा काउंट होके एक लॉग बुक जाके घर पे रिपोर्ट बनेगी। नहीं बनेगी, देख के जा रही हूँ, सारा रेट पता चल गया। कुछ कहना चाहेंगे अब? नो आई एम वेटिंग फॉर माय बर्गर। एक और बार, आई एम वेटिंग फॉर माय बर्गर। देख रही कैसे खदोड़ है, और अगर ये खा नहीं पाएंगी देखना, वो भी नहीं खाएगी। I will try my best. Let's see. तो आ गया है फूड, और शैलजा के चेहरे पे खुशी, और ये शुरू हो गई है, और वो मैं मम्मी के लिए लाया हूँ फ्रेंच फ्राइज। क्या हो गया? मैं भी खाऊंगी। नहीं खा सकते? खाने दे। देखा भुक्कड़ को। शैलजा कैसा रहा? भूख लगी है? अब घर पे जाके कुछ हेल्दी खाना है? घर पे जाके कुछ हेल्दी खाना है? घर पे जाके
इधर देख के बोलो हाँ ना कुछ तो बोलो। भूख लगी तो खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी। क्या भूख लगेगी तो खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी। अच्छा इतना बड़ा बर्गर खा गया अब सैलू को कुछ अजीब सा हो गया। क्या हो गया क्या हो गया? नौजिया। क्यों सा हिंदी में? ओके जी मचला रहा है। जी मचला रहा है क्योंकि एक बर्गर कम हो गया था। और शैलजा भूल गई अपना फोन गाड़ी में और ये अब जाएगी नीचे। मैं नहीं जाऊंगी। ये अब जाएगी नीचे फोन लेने। जाना जल्दी जा दो ना प्लीज। मैं क्यों जाऊँ फोन दे रहा है? क्या हो गया? मैं बीबी आपकी नहीं हूँ क्या? मैं आपकी बीबी नहीं हूँ। बीबी मेरी है तो क्या मैं फोन भी मैं तेरे लेके घूमूंगा क्या? जाओ ले आओ। मैं नहीं ला रहा। तू जा। मैं नहीं जा रही यार समझो मुझे अजीब सा हो रहा है। देखा इसके ड्रामे। हाँ फोन लेने के लिए भी एक आदमी चाहिए उसको अलग से। लेके जा। ला गई हूँ गया। थैंक यू। सो अभी बज रहे सॉरी रात के 10। हम अभी 10-15 मिनट पहुँचे पहले रूम पे पहुँचे हुए हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं तो सो रही हूँ। मम्मी अपने लिए खाना बना रहे हैं कि मम्मी ने कुछ खाया नहीं था तो बना रहे हैं। बोले तुम लोग भी खाओगे। मैं तो सो रही हूँ तुम कुछ खा लेंगे। पालक की सब्जी बना रहे हैं रोटी बना रहे हैं। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक राधे राधे। बाय बाय।